सात मूवीज जो आपको मरने से पहले एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अंत आपका नजदीक आ चुका है, तो उससे पहले सारी मूवीज देख डालो। कोई भी नहीं बोलेगा कॉफी वीडियो बनाता है साला। तो लिस्ट में नंबर वन पे जो मूवी आती है उसका नाम है नो मूवी, जिसे मैंने अभी जस्ट देखा है। एंड भाई साहब क्या ही गजब लेवल की मूवी थी। साल 2007 ही मूवी रिलीज हुई थी, इसे डायरेक्ट किया था अनुराग कश्यप ने। अनुराग कश्यप किस तरह के डायरेक्टर है आप लोग जानते होंगे। एंड अनुराग कश्यप की लाइफ की थर्ड मूवी थी। एंड भाई साहब क्या ही गजब लेवल की मूवी थी, जिसका एंडिंग आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। इस मूवी में आपको देखने को मिलता है अनुराग कश्यप नहीं जॉन अब्राहम। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलते हैं जॉन अब्राहम, प्रेस रावल। एंड इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि सिगरेट एडिक्ट है, जो कि हर हमेशा सिगरेट पीता रहता है, हर मिनट हर घंटे सिगरेट पीता रहता है। एंड उसकी सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए उसके फैमिली मेंबर एंड उसके दोस्त एक संस्था भेजते हैं, जहाँ पे एक बंगाली बाबा रहते हैं जो कि सभी का सिगरेट की लत छुड़ा देते हैं। एंड वो कैसे छुड़ाते हैं ये तो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। एंड वो बाबा सिगरेट छुड़ाने का फीस लेते हैं 21,06,601 रुपया। एंड वो बाबा सिर्फ 1 रुपया रखते हैं, बाकी 21,00,000 रुपया उसके दवाइयों पर खर्च होती है। एंड वो जहाँ पे संस्था बनी है वो एकदम पूरे कचरे से भरी होती है। एंड इस मूवी का एंडिंग भाई साहब आप लोग समझ नहीं पाओगे। एंड उसके बाद जॉन अब्राहम वहाँ पे जाते हैं, एंड उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है एंड उसके साथ भाई साहब मैं बता भी नहीं सकता। भाई आप लोग मूवी जाके देखो, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। 2 घंटे 1 मिनट की मूवी है जो आपको 1 मिनट के लिए बोर नहीं करेगी। फ्री मूवी मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को देखने के लिए। एंड आप लोग जाके देखो इस मूवी को, और कुछ बात नहीं। तो लिस्ट में नंबर 3 पे आती है वेलकम होम। इस मूवी का आपने इंस्टाग्राम पे कई सारे रील देखे होंगे जो कि हाल ही में भी कई ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एंड इस मूवी को मैंने आज से 2 साल पहले देखा था। एंड ये मूवी आज तक मेरे माइंड में फंसी हुई है, मतलब बैठी हुई है। उस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है कि दो लड़कियां सर्वे करने के लिए निकलती हैं एंड गांव के हर एक घर में जाती है। एंड गांव के बाहर एक घर रहता है जो कि एक सुनसान से खेत में बना हुआ है। एंड वहां पे दोनों लड़की जाती है सर्वे करने के लिए। एंड वहां जाने के बाद उन लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है एंड वो लोग वहां पे जाने के बाद देखते हैं। एंड उस घर में सर्वे करने जाने के बाद वहाँ पे जोरों से बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो वहाँ पे रुक जाते घर पे। एंड उस घर पे रुकने के बाद दो उन लोगों के साथ जो जो होता है भाई साहब मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, बट आप लोग जाके मूवी देखिए पहले, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा किस लेवल की मूवी थी। एंड इस मूवी का रील आप लोगों ने देखा होगा तो भाई साहब समझ सकते हैं क्या क्या होने वाला है इस मूवी में। एंड ये मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगी। इस मूवी को आप लोग जाके फ्री में देख सकते हैं यूट्यूब पे। देखने के बाद मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो लिस्ट में नंबर 4 पे आती है साल 2019 में रिलीज हुई मूवी आमिर, जो कि एक बंगाली मूवी है। जो मूवी आपको मोस्ट वॉच जरूर से देखना चाहिए, अभी तक आपने मूवी नहीं देखा है तो। इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है एक स्टूडेंट एंड एक डॉक्टर की अफेयर की कहानी को, जो कि खाने का बहुत ज्यादा दीवाने हैं। खाने के दीवाने सभी रहते हैं बट मीट का दीवाने रहते हैं। एंड उनको अलग अलग तरह का मीट खाना पसंद है, मतलब नए नए मीटों का एक्सपीरियंस करना पसंद है, जैसे खरगोश का मीट, जैसे हाथी के बच्चे का मीट, कुछ और का मीट। एंड ये लोग मीट का इतना एडिक्ट हो जाते हैं जो कि अलग अलग तरह के मीट खाने का डेली रोज ये लोग मीट का खोज करते रहते हैं। एंड सारे जानवरों के मांस खाने के बाद इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो ये लोग चालू करते हैं किसका मांस खाना, आदमियों का मांस खाना चालू कर देते हैं मतलब। एंड वो क्या करता है स्टूडेंट, जो आप डॉक्टर को इम्प्रेस करने के लिए अपने पैर का मांस काट के उसे खिलाता है। एंड उस डॉक्टर को मांस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड वो पूछता है कहाँ से मांस आया तो वो बताता नहीं है। एंड उसके बाद धीरे धीरे वो आदमी अपने पैर का मीट काट के उसे खिलाने लगता है, जिसके बाद वो भी एडिक्ट हो जाता है उस मीट का। एंड उसके बाद क्या क्या होता है तो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी काफ़ी अमेजिंग है, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है जाके इस मूवी को यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल देख सकते हैं। अनऑफिशियली मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी तो आप लोग जाके देख सकते हो, कहीं प्यार जाने की झंझट नहीं है आप लोगों को। तो मूवी जरूर देखना आप लोग, एंड कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देने के बाद। तो लिस्ट में नंबर 5 पे जो मूवी आती है उसका नाम है द गोट लैब, जो कि इसी साल 2024 में रिलीज हुई है। एंड इसी मूवी को देखकर अरब देश के आदमी भाग चुके हैं, क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया है असली ट्रुथ। तो इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है जो कि माइनर वर्कर होते हैं, जो कि अलग अलग देशों से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अदर अदर देशों से आती है, साउथ अफ्रीका, जो कि अरब देशों में काम करने के लिए जाते हैं लेबर का। एंड बहुत सारे लोग जाते हैं अरब देशों में काम करने के लिए। एंड वहाँ जाने के बाद वो लोग फंस जाते हैं। एंड उसके साथ क्या क्या होता है ये इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में असली ट्रुथ दिखाया गया है। इस मूवी की वाइस सीनोग्राफी, वीडियोग्राफी, मूवी थोड़ी स्लो फेस में चलती है बट मूवी मास्टरपीस मूवी है। इसी मूवी में पूरा ट्रुथ दिखाया गया है। एंड बाय एंड का क्लाइमैक्स भाई साहब मतलब फुली ट्रुथ दिखाया गया है उस मूवी में। एंड दिखाया गया कि क्या क्या अरब देशों में जाके होता है। तो ये मूवी आपको जरूर से देखना चाहिए। इस मूवी को ऑस्कर में नहीं भेजा, ऑस्कर का लिस्ट निकल चुका है, इस पर वीडियो बना दूंगा मैं, कल तक आ जाएगी वीडियो। एंड इस मूवी में तो गोट लाइफ को नहीं भेजा, लापता लेडीज को भेज दिया, तो समझ नहीं आता भाई क्या होता है इंडिया तरफ से। तो लिस्ट में नंबर 6 पे आती है एक और मलयालम इंडस्ट्री की मूवी मंजूमल बॉयज, जो कि इसी साल रिलीज हुई है। एंड इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी मुझे वो मूवी लगी, क्योंकि इस मूवी का सीनोग्राफी भाई साहब एक नंबर, इस मूवी की जो एक्टर की एक्टिंग थी भाई साहब एक नंबर। इस मूवी में आपको सब कुछ A1 देखने को मिलेगा। तो इस मूवी की कहानी में आप लोगों को दिखाया जाता है एक दोस्त का ग्रुप जाते हैं कुना केव्स घूमने के लिए। कुना केव्स एक जगह का नाम है जहाँ पे खाई का पहाड़ी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जाते हैं वो लोग घूमने के लिए। एंड वहाँ जाने के बाद उनका एक दोस्त एक 800 फीट नीचे गड्ढे में गिर जाता है। एंड उस गड्ढे में आज तक जो भी गिर रहा है आज तक वापस निकल के नहीं आया है। एंड वो लोग अपने दोस्त को कैसे निकालते हैं वहाँ से, एंड उसका दोस्त निकल पाता है कि नहीं बाहर, ये तो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी भाई साहब एक नंबर है। मूवी की सीनोग्राफी, वीडियोग्राफी, मूवी की जो VFX थी भाई साहब मुझे एक नंबर लगी। इस साल की वन ऑफ द
बेस्ट मूवी मुझे मूवी लगी एंड उस मूवी को भी ऑस्कर के लिए नहीं भेजा गया है, तो भाई नानसाफी हो रही है मलयालम इंडस्ट्री के लिए। एंड भाई साहब मलयालम इंडस्ट्री में जो ऑस्कर विनिंग मूवीज बन रही है भाई साहब, उस मूवी को ऑस्कर के लिए नहीं भेजा जा रहा है, तो भाई बहुत ही बुरी बात है। एंड ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी, तो ये मूवी आपको जाकर देख सकते हैं एंड यूट्यूब पर भी शायद खोजने से आपको मिल जाएगी। तो लिस्ट में नंबर 7 पे आती है तमिल इंडस्ट्री की एक मूवी महाराजा, जो कि इस साल की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी है। एंड इस मूवी के बारे में आप लोगों ने 100% सुना ही होगा, एंड नहीं सुना तो आप लोग कान से बारे होंगे जरूर, एंड आग से अंधे होंगे तो अभी तक इस मूवी के बारे में नहीं सुना एंड देखा होगा। एंड इस साल तो 24 की वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेक्स वाली मूवी है भाई साहब, एक नंबर इस मूवी का क्लाइमेक्स है। एंड ये मूवी भाई साहब विजय सेतुपति की एक्टिंग, एंड साल 2025 के ऑस्कर के लिए इंडिया की तरफ से इस मूवी को भी सेलेक्ट किया गया है। एंड तमिल इंडस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी है भाई साहब। इस मूवी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, इंस्टाग्राम रील हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम यूट्यूब है, आप लोग हर जगह इस मूवी के बारे में सुना ही होगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी नहीं देखा है तो इस मूवी के बारे में स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, बट इस मूवी की कहानी के बारे में बता दूं आप लोगों को। तो इस मूवी की कहानी कचरे के डिब्बे पर इवॉल्व करती है, जिसमें आपको देखने को मिलता है विजय सेतुपति का कचरे का डिब्बा खो गया है, जिसके लिए वो पुलिस स्टेशन गए केस करने के लिए। एंड कचरे के डिब्बे में ऐसा खास बात क्या है, क्योंकि उस कचरे के डिब्बे ने उसकी बेटी की जान बचाई थी, क्योंकि जब घर में नहीं, क्योंकि जब विजय सेतुपति अपने घर में नहीं रहता है तो जैसे भी घुसता है उसके घर को तोड़ देता है एंड घर के पूरा बिल्डिंग उसकी पत्नी पे एंड उसकी बच्ची पे गिर जाता है, बट उसकी बच्ची बच जाती है क्योंकि उस कचरे के डिब्बे ने उसको ऐसे कवर कर लिया था, उससे उसकी बेटी बच जाती है, बस उसकी पत्नी मर जाती है। तो उस दिन से वो उस कचरे के डिब्बे को डेली नहाता है एंड उसकी पूजा करता है एंड उसके लिए वो भगवान जैसा है। बट इस मूवी कहानी कुछ और ही है, क्योंकि इस मूवी कहानी बस कचरे डिब्बे पर इवॉल्व करने वाले नहीं है, तो आप लोग समझती है एक मास्टर पीस मिस्ट्रियल चीज आपको देखने को मिलेगी एंड क्लाइमेक्स में, एंड भाई साहब क्लाइमेक्स आपका दिमाग उड़ा देगी। तो ये मूवी आपको जोर से देखना चाहिए, साल 24 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, तो मूवी आपको जोर देखना चाहिए। ये रही मेरी आज की लिस्ट, इस लिस्ट में आपको कौन सी मूवी ऐड करनी थी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, एंड इस लिस्ट में कौन सी मूवी मिस होगी वो भी मुझे बता दीजिए। एंड अब आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।